हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चैन। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज राइज इन द इंडिविजुअल। मतलब ये इम्यूनाइजेशन जो होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है उसको इंडिविजुअल में क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं या राइज करते हैं, वो होता है इम्यूनाइजेशन। मतलब बाहर से वैक्सीन्स के थ्रू क्या करते हैं, हम उसे इम्यूनिटी देते हैं, उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब हमारा वो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम देखते हैं। द बॉडीली सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस सेल्स टिश्यू बाय प्रोड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स एंड दैट इंक्लूड थाइमस स्प्लीन। मतलब क्या है ये, कि ये एक बॉडी का सिस्टम है हमारा, इम्यून सिस्टम, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। किससे प्रोटेक्ट करता है, फॉरेन सब्सटेंस से, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ये है हमारा फर्स्ट थाइमस स्प्लीन जो होता है, जो कि WBCs प्रोड्यूस करता है और वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम WBCs जो है, माइक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, इंक्लूडिंग द टी सेल्स एंड बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में आता है। तो ये क्या है, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी राइज करते हैं इंडिविजुअल में थ्रू वैक्सीन्स के। और जो इम्यून सिस्टम होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडीज से, जिसमें हमारे स्प्लीन, लिम्फेटिक सिस्टम, जो WBCs होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है, ये क्या करती है, सब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, अगर आपको एग्ज़ाम में यदि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है तो आपको इस टाइप से क्या है, टेबल के थ्रू क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट बेनिफिशियरी इन्फेंट में देखेंगे हम। इन्फेंट मैंने आपको बताया था, जो 1 मंथ से लेकर जो 12 मंथ के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन है एज ग्रुप का, थर्ड है वैक्सीन्स जो है इन्हें कौन सी देनी है, फोर्थ जो रूट कौन सा है इसका, मतलब हम किस रूट के थ्रू इन्हें वैक्सीन्स दे रहे हैं, और फोर्थ इनका जो है डोज है। तो इन्फेंट एट बर्थ के टाइम, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बर्थ होता है बेबी का, तो हमें क्या देना है, उन्हें BCG देना है और OPV देना है, है ना। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, है ना। और OPV देना है हमें, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इसका क्या है, 0 डोज देना है। और हेपेटाइटिस बी देना है, हेपेटाइटिस बी मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये देना है। अब जो BCG देंगे उसका जो रूट होगा इंट्राडर्मल होगा, मतलब हमें क्या करना है, 15 डिग्री पे क्या है, स्किन में से देना है। और OPV जो है ये ओरल देते हैं हम, इसका डोज क्या है, 0.05 ml देना है BCG। OPV जो है ओरल देना है, 2 ड्रॉप्स देना है इसकी, बोलते हैं ना जो पोलियो की जो खुराक देते हैं वो 2 ड्रॉप्स देना है हमें ओरली। और जो हेपेटाइटिस बी का जो लगता है वो IM लगता है, इसका डोज होता है 0.5 ml। अब इन्फेंट की बात करें तो कौन से इन्फेंट, जो कि एट 1.5 मंथ के जो है, 1.5 महीने के जो बच्चे हैं, उन्हें OPV का फर्स्ट डोज देना होता है, और पेंटा देना होता है फर्स्ट डोज, एंड रोटा देना होता है, एंड FIPV मतलब फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो OPV का जो फर्स्ट डोज होता है, इसका रूट होता है ओरली, जिसको 2 ड्रॉप्स देते हैं। पेंटा का जो फर्स्ट डोज होता है, जिसको IM देते हैं, उसको 0.5 ml जो है इसका डोज होता है। थर्ड जो है रोटा, वो ओरली देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं। और जो FIPV जो है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है, वो IM देते हैं, वो 0.5 ml जो है इसका डोज होता है। अब जो 2.5 मंथ के जो बच्चे होते हैं, उन्हें फर्स्ट डोज लगता है, सेकेंड डोज लगता है OPV का,
ओपीवी ओरल देते हैं, इसका डोज 2 ड्रॉप ही रहेगा। सेकंड जो है पेंटा का सेकंड डोज लगता है इन्हें 2.5 महीने में, जो कि आईएम देते हैं, इसका डोज होता है 0.5 ml। और रोटा लगता है जो कि ओरल ही देते हैं 5 ड्रॉप्स। उसके बाद में फिर जब बच्चा जो है 3.5 महीने का हो जाता है, एट 3.5 मंथ का जब होता है, तो हम ओपीवी का 3rd डोज देते हैं, जो कि ओरली देते हैं 2 ड्रॉप्स। और पेंटा देते हैं, पेंटा का 3rd डोज देंगे, आईएम 0.5 ml जो है इसका डोज है। और आईपीवी देंगे, इसका डोज क्या है, 0.5 ml है। आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है, इसको आईएम देंगे, 0.5 ml जो है इसका डोज है। देन रोटा देंगे, ओरली इसकी 5 ड्रॉप्स दी जाती है। अब 3.5 मंथ के बाद में सीधे 9 मंथ में जो है बच्चे को वैक्सीन लगता है। तो कौन से वैक्सीन लगते हैं, फर्स्ट मीजल्स का जो 1st डोज लगता है MR1, और विटामिन ए का जो है 1st डोज इन्हें देते हैं। अब मीजल्स जो है इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस देते हैं, जो कि 45 डिग्री एंगल्स पे दिया जाता है, जिसका 0.5 ml जो है डोज होता है। और विटामिन ए जो होता है, उसकी जो सिरप होती है वो ओरली दी जाती है, जो कि 1 lakh international unit दी जाती है। उसके बाद जो चिल्ड्रंस है जिनकी एज ग्रुप जो है एट 16 to 24 मंथ के जो है, उनको MR का 2nd डोज दिया जाता है, है ना, मतलब मीजल्स का 2nd डोज दिया जाता है, और OPV का बूस्टर जो है वो ओरली दिया जाता है, और विटामिन ए का 2nd डोज दिया जाता है। तो MR जो है, MR 2nd जो हम दे रहे हैं वो सबक्यूटेनियस ही देंगे, इसका डोज सेम है 0.5 ml है। OPV जो है ओरली देंगे, इसकी भी 2 ड्रॉप्स देंगे। OPV जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तो 5 साल तक के बच्चों को जो है वो तो दिए ही जाते हैं, तो इसको तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद में विटामिन ए का जो 2nd डोज है ये ओरली देंगे, 2 lakh international unit देना है इसको। अब जब बच्चा 24 मंथ का हो जाता है, तब उसे विटामिन ए का 3rd डोज देते हैं ओरली, 2 lakh international unit। देन फिर 6 मंथ के गेप में जो है ये सारे हमको देने हैं। तो बच्चा जो है वो 30 मंथ का जब हो जाता है, तब उसे विटामिन ए का 4th डोज दिया जाता है, इसका सेम है, रूट ओरली है और डोज भी जो है सेम है, 2 lakh international unit। उसके बाद 36 मंथ में दिया जाता है 5th डोज। एंड फिर 42 मंथ में दिया जाता है इसका 6th डोज। एंड फिर 48 मंथ में दिया जाता है इसका 7 डोज। और 54 मंथ में है 8 डोज। और 60 मंथ में जो है इसका लास्ट है विटामिन ए का जो है 9 डोज जो दिया जाता है, ओरली दिया जाता है 2 lakh international unit। उसके बाद जब बच्चा एट 5 to 6 year का हो जाता है, मतलब 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है, उसको DPT दिया जाता है, DPT बूस्टर दिया जाता है, IM दिया जाता है इसको, इसका भी डोज है 0.5 ml दिया जाता है। उसके बाद जब बच्चा जो है 10 साल का हो जाता है, तब उसको टिटनेस दिया जाता है, TT का 1st डोज, IM दिया जाता है, इसका डोज जो है 0.5 ml दिया जाता है। फिर जो बच्चा जो है वो 16 साल का जब हो जाता है, एट 16 year का हो जाता है, तो उसे TT का 2nd डोज दिया जाता है IM, और डोज जो है इसका सेम है 0.5 ml। और अभी जो लेटेस्ट जो वैक्सीन आई है, PCV जिसे कहते हैं, ये 2018 में आई है, लिखा हुआ है लेटेस्ट, तो ये न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन जो है इसको IM देते हैं, इसका डोज जो है 0.5 ml होता है। ये निमोनिया के लिए यूज़ की जाती है। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है इम्यूनाइजेशन का, तो आपको इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है लिखना है, उसके बाद में डिफाइन करने के बाद आपको ये शेड्यूल जो है ये बनाना है। अब इसमें क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, मतलब EPI कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, UIP। तो ये क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड EPI इन जनवरी 1978 टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ 6 killer diseases। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है, EPI जो है, इसे जनवरी में 1978 में क्या किया, लॉन्च किया था, किस लिए, ताकि जो 6 killer diseases जो होती है
उसे ट्रीट करने के लिए. द फॉरगेट पॉपुलेशन वॉज अंडर 5 ईयर एंड प्रेगनेंट वुमेंस, मतलब जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए और जो उनसे कम एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए और जो प्रेगनेंट लेडी उनके लिए क्या किया था इन्होंने, ये जो है वैक्सीन जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था जिसमें वैक्सीन को के बारे में जो है बताया था. तो द सर्विसेज ऑफ EPI वर अवेलेबल इज ए पार्ट ऑफ रेगुलर MCS सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर, मतलब जो एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का वो क्या है रेगुलरली क्या है इसकी सर्विसेज दी गई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सब सेंटर्स में. व्हेन द कवरेज ऑफ EPI वाज फाउंड टू बी लो और इवोल्यूशन, द UPI वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1985 इम्यूनाइजेशन नेशनल शेड्यूल, मतलब क्या है ये 1985 में क्या हुआ था ये इसका जो है रिजल्ट फाउंड किया था उसके बाद में क्या किया था इसको 1985 में जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का नाम दिया था. देन ऑप्टिमल वैक्सीन इसमें कौन सी है, वेरिसोला वैक्सीन है जो कि प्रिवेंशन के लिए चिकन पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है, वेरिसेला वैक्सीन जिसे कहते हैं. सेकेंड जो है टाइफाइड वैक्सीन होती है. देन MMR जो मीजल्स मम्स मुबेरा के लिए जो वैक्सीन होती है वो होती है MMR. देन हम देखेंगे कोल्ड चैन क्या होता है. कोल्ड चैन की डेफिनेशन देखते हैं. द कोल्ड चैन इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज़, मतलब क्या है कोल्ड चैन वो होती है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं जो वैक्सीन्स होती है जो हम इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन उनको ट्रांसपोर्ट करने का स्टोर करने का जो है काम करते हैं, एक उसके एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं वैक्सीन्स का ताकि वो ज़्यादा हीट के भी कॉन्टेक्ट में नहीं आए और ज़्यादा कोल्ड के भी कॉन्टेक्ट में नहीं आए जिससे क्या है ख़राब नहीं हो. कोल्ड चैन इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन एट ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है इसका 2.8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द साइट ऑफ वैक्सीन, मतलब जो कोल्ड चैन सिस्टम जो होता है उसमें जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसमें वैक्सीन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. द कोल्ड चैन इज नीडेड बिकॉज वैक्सीन आर सेंसिटिव टू हीट एंड दे मे लॉस देयर पोटेंशी इफ नॉट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एट ऑप्टिमल टेम्परेचर, मतलब ये है कि यदि हमने जो है कोल्ड चैन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है हमें क्योंकि जो वैक्सीन्स होती है यदि वो सेंसिटिव हीट के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है उसकी जो पोटेंसी होती है मतलब जो उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है मतलब वो ख़राब हो जाती कहना चाहिए और ख़राब हो जाती है तो वो क्या है यूज़ में नहीं ले सकते हम उसको, हम स्टोर इसीलिए हमें क्या करना है उसे स्टोर करना है क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं रहेगी और ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमें उसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में स्टोर करना है और ट्रांसफ़र करना है. अब इसके इक्विपमेंट कौन से होंगे, वॉक इन कोल्ड रूम होंगे, डीप फ्रीजर है, ILR है मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड बॉक्सेस है एंड वैक्सीन कैरियर है और जो डे कैरियर होता है और आइस पैक्स होते हैं. अब मैं इसको आपको इसके इमेजेस दिखाती हूँ कि किस टाइप से होते हैं. ये होता है हमारा फर्स्ट वॉक इन कोल्ड रूम्स. आप देख रहे हो कि ये जो बड़ा सा जो फ्रीजर टाइप का जो दिख रहा है आपको ये रखा हुआ है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जो है अवेलेबल होता है ना. इसका जो है स्टोरेज करते हैं इसको 3 मंथ तक जो है वैक्सीन्स को स्टोर कर सकते हैं इसको PSC लेवल्स में और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 15 degrees Celsius to 25 degrees Celsius होना चाहिए. आपको डीप फ्रीज़र भी दिख रहा है इसमें, तो ये भी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है वैक्सीन्स को जो है स्टोर करने के लिए. इसका भी एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो इसमें मेंटेन करते हैं, एक सेट करके रखते हैं टेम्परेचर जिससे कि क्या है वैक्सीन्स वगैरह जो है ख़राब ना हो सके.
नेक्स्ट जो था आपका आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये इस टाइप का होता है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका साइज़ दिया हुआ है, जो 300 to 140 liters का होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे PSA लेवल्स पे जो है ये अवेलेबल होता है। इसका टेम्परेचर भी 2 to 8 degrees Celsius जो होता है। इसमें जो है यूटिलाइजेशन, मतलब जो भी जो वैक्सीन रखी जाती है वो BCG, DPT, OPV, मीजल्स, TT, हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है इसमें स्टोर की जाती है। इसमें जो पावर्स है वो 24 hours आफ्टर 8 hours कंटिन्यूस सप्लाई जो है होता है। देन ये जो आपका जो दिख रहा है डायग्राम, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, ये है आपका कोल्ड बॉक्सेस, जिसमें क्या करते हैं वैक्सीन्स को हम प्रिजर्व करते हैं। देन ये जो नेक्स्ट है वैक्सीन कैरियर है, जिसका आपको जो है दिख रहा है, ये बॉक्स रखा हुआ है, डायग्राम दिख रहा है। इसका टेम्परेचर भी 2 to 8 degrees Celsius होता है, जो कि ये PSC सब सेंटर्स में भी अवेलेबल होता है। इसको क्या है कैरी भी कर सकते हैं, 1 place to another place में क्या है ट्रांसपोर्ट करने का भी इसमें काम हो सकता है। अब ये जो नेक्स्ट है आपका डे कैरियर, इसको इसमें क्या है स्मॉल क्वांटिटी में हम वैक्सीन्स जो है रख सकते हैं, मतलब इसमें 6 to 8 vials आ सकते हैं। साथ में इसमें आइस पैक्स भी रखे होते हैं, और क्या है इसको ज़्यादा दूर तक जो है वो हम नहीं कैरी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में हम नहीं ले जा सकते हैं। और इसमें 2 ice packs जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ जो है 2 hours के पीरियड में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके आइस पैक्स कैसे होते हैं, आपको ये दिख रहा है इसमें डायग्राम में, कि आपके जो आइस पैक्स जो है जो बॉक्सेस में रखे होते हैं, कोल्ड बॉक्सेस में डे कैरियर में जो रखे होते हैं वैक्सीन्स को स्टोरेज करने के लिए, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये। तो ये है आपके आइस पैक्स। तो ये देखे हमने कोल्ड चैन क्या होती है, और हमें जो है वैक्सीन्स को किस टाइप से जो है प्रिजर्व करके रखना है। आपने देखा कि कौन से कोल्ड वॉक इन कोल्ड रूम में जो कौन से फ्रीजर्स रखे होते हैं, और डीप फ्रीजर्स कौन से होते हैं, ILR कौन से होते हैं, और कोल्ड बॉक्सेस जो डे कैरियर होते हैं, वैक्सीन कैरियर होते हैं, आइस पैक्स जो है वो किस टाइप के होते हैं। इसके अलावा आप डिटेल में जो है आपके थर्ड ईयर में, और आप डिटेल में से स्टडी करोगे, अभी यदि आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप जो है वो इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे इस यूनिट का। थैंक यू।